नमस्कार दोस्तों, स्वामी देवदत्त जी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो उपाय है वे है टू इंसानों को अलग करने का या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने का टूट का। इस उपाय को करके आप अपने लड़के का, अगर किसी लड़की से गलत लड़की से गलत स्त्री से संबंध है आप अलग कर सकते हैं। यदि आपकी लड़की का किसी गलत व्यक्ति या गलत पुरुष से लड़के से आप की लड़की का संबंध है आप उससे अलग करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं, वह आपको धोखा देकर किसी और के साथ किया चला है और आप उन्हें अलग करके स्वयं वह जगह प्राप्त करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, अच्छे के लिए और अच्छे कार्यों के लिए करेंगे तो हमेशा हर एक वशीकरण टूट का कार्य करेगा, शुद्धता से करेगा। आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए। जिस कार्य में इंसान की नीयत सच्ची होती है और अच्छे रूप से जिसके विचार अच्छे होते हैं उसके हमेशा कार्य करता है। तो आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के एक निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टूट के भी मंत्र बता पाएं। आपको करना क्या, आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार लाल सिंदूर का खून बनाने एक सफ़ेद पेपर ले लें और एक लाल शाही वाला पेन आप ले लें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, याद रहे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन लगाकर बैठें जमीन पर रात्रि के 11 बजे के उपरांत। आपको सबसे पहले उन दो इंसानों को जिनको आप अलग करना चाहते हो उनकी तस्वीर बनानी है, उनके बारे में सोचते हैं, चाहे वे दो लड़के ही क्यों ना हो, चाहे वे दो लड़कियां क्यों ना, आपको उनके बारे में सोचते हुए उन्हीं के बारे में सोचते हुए तस्वीर बनानी। जिसके बारे में आप सोचेंगे उसी के बारे में विचार करते हुए आप तस्वीर बनाएं, तभी यह कार्य सफल हो पाएगा। दोनों की तस्वीर बनाएं बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपके पास उनकी फोटो है तो आपको तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा उस पर यंत्र बना के भी इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन लाल सिंदूर से। उसके बाद इनके बीचों बीच इनके यंत्र का निर्माण करना है जो कि दोनों के साथ लगता हुआ हो। यंत्र आप जो बना रहे हैं वो लगता हो। अब इसके बीचों बीच दो खड़ी रेखाएं, दो आड़ी रेखाएं। अब आपको इसके बीच संख्या अंकित करनी है। इसे सूखने दें। सूखने देने से पहले मेरा याद रहे कि महिलाएं कठिन समय में नहीं करें और जो पुरुष हैं वे शराब मांस आदि का सेवन न करें 3 दिन के लिए, तभी आप इस कार्य को सफल कर पाएंगे। महिलाएं भी किसी प्रकार का नशा वगैरह करती हैं तो न करें और किसी से शारीरिक संबंध न बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको फिर सूख देने के बाद आपको ऊपर पहले इंसान का नाम लिखना है और बाद में दूसरे इंसान का नाम लिखना है। नाम लिख लेने के बाद जैसे ये सूख जाता तो इसके अंदर जो संख्या अंकित करनी है वह आप स्क्रीन पर शो देख सकते हैं। शो हो रही है 22, 6, 11, 9, 5, 1 और 3 इन संख्या को अंकित कर दें। संख्या को अंकित कर देने के बाद काला काजल है या काला शाही में कोई भी चीज ले इसको पूरा काला कर दें। काला कर देने के बाद इस तरीके से इन दोनों को अलग कर दें, इस तरीके से अलग कर दें। अलग कर देने के बाद इस तरीके से इन्होंने लपेट लें और ताबीज की जगह पर्चियां बना लें, इसको इन दोनों को बना लें। बना लेने के बाद याद रहे एक पर्ची को वहीं छोड़ दें और दूसरी को उठाएं और घर से दूर जाकर जहां भी इस प्रयोग ने किया उससे दूर जाकर अब गहरा गड्ढा खोद कर इसे उत्तर दिशा की तरफ ही जाना। आपको उत्तर दिशा की तरफ जाकर आप इस गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। अगर दबा नहीं सकते तो आप इसे जला दें। जला देने के बाद आप वापिस आएँ, इसे उठाएँ, इसे आप दक्षिण दिशा की तरफ दूर जाकर आप इसे वहां जाकर या गाड़ सकते हैं या जला दें। अगर जला रहे हैं तो दोनों को जलाएं, गाड़ रहे हैं तो दोनों को गाड़ दें। यह छोटा सा उपाय उन दो इंसानों को लिए हमेशा से अलग कर दिया, लेकिन अच्छे के लिए सच्चे के लिए कार्य के आगे ही हमेशा काम करता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं और आप वास्तव में उनसे छुटकारा चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक कॉल भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए। इसके साथ आपसे इजाजत चाहूँगा। धन्यवाद।